सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्टूबर 2021 का जो मंथ है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो कि अगर आपने नहीं किया तो फिर वो आप कभी नहीं कर पाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे यहाँ पर अब अपडेट भी कर दिया गया है कि अक्टूबर महीने के अंदर कौन कौन सी चीजें आपको फुलफिल करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है जो आपका जीएसटीआर 3B है सितंबर 2021 के लिए, उसकी ड्यू डेट है 20 अक्टूबर 2021 की जो डेट है ये है मंथली जीएसटी रिटर्न फाइलर्स के लिए। अगर आप एक मंथली जीएसटी रिटर्न फाइलर हैं तो आपको अक्टूबर 2021 के अंदर सितंबर से रिलेटेड, जी हाँ फ्रेंड्स, सितंबर से रिलेटेड जो जीएसटीआर 3B है वो फाइल करनी है 20 अक्टूबर 2021 से पहले। आपको अगर इस डेट को मिस कर गए तो क्या होगा? लेट फीस तो जो लगेगी सो लगेगी, इंटरेस्ट जो लगेगा सो लगेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका सबसे बड़ा नुकसान जो हो सकता है वो हो सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड कोई भी इनवॉइस जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम नहीं किया है आज की डेट तक, तो वो आपको क्लेम करना है 20 अक्टूबर 2021 से पहले। चाहे आप किसी भी रिटर्न में क्लेम कर रहे हैं अप टू सितंबर 2021, उसे आपको फाइल करना होगा 20 अक्टूबर 2021 से पहले अगर आप मंथली फाइलर हैं। अगर आपने ये 20 अक्टूबर की डेट मिस कर दी तो ये आईटीसी जो आपको अदरवाइज मिल जाता ये अब आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 कहता है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड कोई भी टैक्स इनवॉइस या फिर कोई भी डेबिट नोट जो इशू किया गया है उसकी लास्ट डेट फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट होगी अगले साल की सितंबर 21 की रिटर्न, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी सितंबर 21 की 3B, जो कि 20 अक्टूबर बन के आती है मंथली फाइलर्स के लिए। अगर आप एक क्वार्टरली फाइलर हैं जो कि आप QRMP डीलर हैं, तो आपको क्वार्टरली यानी कि जुलाई से लेके सितंबर 21 की जो ड्यू डेट है वो अगर आप देखेंगे तो वो यहां बताया गया है जुलाई से लेके सितंबर 21 की जीएसटीआर 3B को फाइल करने की ड्यू डेट है 22 अक्टूबर एंड 24 अक्टूबर। अब ये 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर है वो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ये आप लोगों को पता है। तो 20, 22 या 24 ये तीन टैक्स पीरियड्स के लिए आपको रिटर्न्स जो है लगाना है अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट 2021 से रिलेटेड आपको क्लेम करना है। डेबिट नोट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि डेबिट नोट के लिए अब आपको डेट ऑफ इशू ऑफ डेबिट नोट देखना है, मतलब अगर 2021 में कोई डेबिट नोट इशू हुआ है लेट सपोज 1 अक्टूबर 2020 को और इसका जो अंडरलाइन टैक्स इनवॉइस है वो है 1 अक्टूबर 2019, तो अब आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि जो डेट ऑफ इशू ऑफ डेबिट नोट है उसको कंसिडर कीजिए कि वो किस फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है, और उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर की 3B की ड्यू डेट तक आप उसे क्लेम कर सकते हैं। अंडरलाइंग इनवॉइस का कोई भी लेना देना नहीं है, तो इस केस में आप इस डेबिट नोट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। इसके लिए क्लैरिफिकेशन भी इशू किया गया है जीएसटी पोर्टल की तरफ से, सीबीआईसी की तरफ से, जो कि हमारे अगले महीने के टैक्स मैगजीन में आपको विद एग्जांपल्स देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड कोई भी आईटीसी
पेंडिंग नहीं है, आपने ये सारी चीजें रिकनसाइल कर ली हैं, तो अब आपको दूसरा चीज जो दूसरा कंप्लायंस है जो चेक करना है वो करना है 2021 का, जो आपका सेल का फिगर है, यानी कि जीएसटीआर 1 में जो आपने डेटा अपलोड किया है उसके अंदर कोई डेटा मिसमैच तो नहीं है या गलत तो नहीं चला गया। ये क्यों करना है? ये इसीलिए करना है क्योंकि इसकी भी अमेंडमेंट आप कब तक कर सकते हैं, इसकी अमेंडमेंट आप कर सकते हैं सितंबर 21 की 3B की एक्चुअल फाइलिंग डेट तक, ड्यू डेट तक आईटीसी क्लेम करना है लेकिन एक्चुअल फाइलिंग डेट तक आप इस अमेंडमेंट को जो कि जीएसटीआर 1 से रिलेटेड है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए वो कर सकते हैं। तो आपको यह भी समझना होगा कि सितंबर महीने की जो जीएसटीआर 1 जानी है उसकी ड्यू डेट है 11 अक्टूबर 2021 और जुलाई अगस्त सितंबर की जो जीएसटीआर 1 क्वार्टरली वालों के लिए जानी है वो जानी है 13 जुलाई 2021 तक। आपका अगर कोई भी डेटा अमेंड होना पेंडिंग है तो इसको जीएसटीआर 1 फाइल करते समय जरूर कर दीजिएगा और अगर नहीं कर पाए तो 3B को फाइल करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज वो फिर अमेंडमेंट कभी नहीं हो पाएगा। ये हो गया दूसरा अमेंडमेंट जो कि आपको कर लेना है सितंबर की 3B या जीएसटीआर 1 से पहले। इसके बाद बात आती है क्रेडिट नोट की। अगर आपको क्रेडिट नोट का कोई टैक्स एडजस्टमेंट करना है वो भी आपको सितंबर 21 की रिटर्न से पहले करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। डेबिट नोट का कोई चैप्टर नहीं है, यहां पर आप जब मर्जी अपनी लायबिलिटी डिक्लेयर कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन सब के अलावा CMP 08, जी हाँ फ्रेंड्स, क्वार्टरली CMP 08 फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो है जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर के लिए 18 अक्टूबर 2021 है, इस डेट तक फाइल कर लीजिए, अदरवाइज इंटरेस्ट जो है वो आपको लगेगा। इसके साथ साथ जो अदर ड्यू डेट्स है वो भी आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में इस बार मिलने वाला है अलॉन्ग विद ऑल द रेलिवेंट चेंजेस जो सितंबर के महीने में हुए हैं, चाहे वो जीएसटी का हो या फिर इनकम टैक्स का। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट ऑफ क्लियर हो गया होगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सितंबर की रिटर्न से पहले कर लेनी है और अक्टूबर में बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।